क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है इस अवार्ड का और लोगों को क्या कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि लोगों को मतलब बहुत सारे अवार्ड शो के बारे में पता है ऑलरेडी, फिल्म अवार्ड होते हैं, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, आप बताइए इस अवार्ड शो की क्या खासियत होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा? देखिए ऐसा है कि आज का करवीर छतरी करके हम मैगजीन पब्लिश करते रहे हैं और वो 5 साल से मैगजीन पब्लिश करते हुए हमको एक अनुभव हुआ है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोगों को रिकनाइज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हम लोगों को लगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आज के दिन ज़रूरत है जो बहुत टैलेंट है, लेकिन नॉर्मली आप कोई भी अवार्ड देखिए, चाहे फिल्मफेयर अवार्ड देखिए और भी अवार्ड देखिए, जो बड़े चेहरे हैं घूम फिर के अवार्ड उन्हीं के पास जाता है। आज का करवीर छतरी एक ऐसा अवार्ड हम लोग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सेल्फ मेड लोग हैं, जो अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं, उनको एक स्थान दिया जाए और उनको एक रिकग्नाइजेशन दिया जाए, यही सोच और यही विचार रख के ये नए प्लेटफॉर्म का क्रिएशन किया जा रहा है। सर ये चयन कहाँ से कर रहे हैं आप लोगों का? नहीं देखिए ऐसा है कि हम लोग इसकी कैटेगराइज किए सारी कैटेगरी जितनी भी, लाइक जैसे अभी एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, सोशल्स है, पॉलिटिशियन है, सारे कैटेगरी वाइज हम लोग इसमें अवार्ड देने वाले हैं और हम लोग इसको, हमारी एक टीम है जो लोगों का नॉमिनेशन ले रही है और जो भी अवेलेबल नॉमिनेशन हमारे पास आएंगे उसमें जो हमारी ज्यूरी है, जो बेस्ट नाम जो आएगा उसको हम लोग अवार्ड देंगे और ये अवार्ड निरंतर चलने वाला है, ऐसा नहीं कि जिसको एक बार मिल गया बाकी लोगों के लिए निराशा है, जो भी अच्छा काम करेगा वो इस प्लेटफॉर्म पे ये साल भी होगा अगले साल भी होगा, क्योंकि ये एक अवार्ड हम लोग प्लेटफॉर्म ही बना रहे हैं जो निरंतर लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को आगे लेके जाने का एक नया चेहरा लोगों के बीच में आए, नया क्रिएशन आए, नई चीज़ें लोग देखें, इसी के लिए ये पूरी तरह से फोकस्ड है। ये करवीर है और मैं आज की करवीर हूँ, इनको भावना मिल चुकी है कुछ अच्छा करने की, देन इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम आज का करवीर करें और मैं आज की करवीर हूँ, मुझे ज़रूरत है इनके जैसा बनने की, मैं इनके जैसी बन सकती हूँ, कुछ बेहतर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना लोगों को बताने के लिए कि ये मैंने किया है। आज मेरे घर में लोग जान रहे हैं, पड़ोस में जान रहे हैं, मेरी सिटी में जान रहे हैं और इवन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ लोग वहाँ भी जानते हैं, पर मैं चाहती हूँ नेशनल लेवल पर आना, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कॉपरेट करें, प्लेटफॉर्म डालें, तो करवीर जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलना भी तो ज़रूरी है। पहचान आपको इसलिए खुशी देता है क्योंकि आप किसको अच्छी नहीं लगती तारीफ, मुझे अच्छी लगती है, आपको लगती है, और तारीफ तभी अच्छी लगती है जब सिर्फ आपके घर वाले ना करें, बाहर वाले करें, पर आप अपने टैलेंट को कैसे दिखाएं बाहर वालों को जब तक कि आपको कोई प्लेटफॉर्म ही ना मिले, तो ये प्लेटफॉर्म है आज का करमवीर, बेसिकली आप यूँ कह लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इस पर मैं आ रही हूँ, मुझे पहचान की ज़रूरत है, नाम की ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे कौन देगा, इन जैसे लोग ही देंगे ना जिनके पास ऑलरेडी पहचान है, तो पहचान तो सबको चाहिए। देखिए आज का जो करमवीर है ये एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है, जो आदमी अपनी मेहनत से अपनी लगन से अगर कोई अचीवमेंट पाता है तो एक एप्रिसिएशन उसको ऐसा चाहिए, उसको निजी एक फील होता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ, तो एक सामने एक उसका कहते ना कि करमवीर जो है एक मतलब जहाँ से वो एप्रिसिएशन उसको मिलने वाला है, जहाँ से उसको लगता है कि मेरा अपना एक निजी सेटिस्फेक्शन है, मेरे वर्क को सराहा जाए, मेरे काम को सराहा जाए, मेरी मेहनत को सराहा जाए, मेरे अचीवमेंट को सराहा जाए, ये इस तरह की एक थीम है, ये इतना बड़ा आज का आने वाले फ्यूचर का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जो चाहे वो UPSC से हो या हेल्थ से हो या एजुकेशन से हो या एग्रीकल्चर से हो, तमाम सारी ऐसी जो फील्ड हैं वहाँ से जो आदमी मेहनत से, आज हम लोग मीडिया के माध्यम से ये सुनते हैं कि एक किसान जो था कहीं से यूरोप से पढ़ कर के आया और वो आज हिंदुस्तान में किसानी कर रहा है, वही किसान जो पहले देखता था कि मेरे खेत में फसल 2 लाख रुपए की हो रही है और उसने कन्वर्ट किया 2 करोड़ रुपए में, मतलब इतना बड़ा इजाफा, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, इसमें उसकी एजुकेशन इन्वॉल्व हुई, उसमें उसकी सोशल लाइफ इन्वॉल्व हुई, तो यानी कि उसको एक सोचने की ये क्षमता आई, तो इतनी सारी जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं वो
मतलब सोशल कॉज में या मीडिया के माध्यम से या मतलब लोगों के पास ये जाना चाहिए कि ये अचीवमेंट आया कहाँ से, उसकी एक ये जगह है आज का करमवीर। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा, जब हम पोस्टर को देख रहे हैं, आज के करमवीर का जो हम पोस्टर देख रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला ध्यान जो लोगों के ऊपर जाता है, तो थोड़ा सा बताइए सर, इस लोगों की क्या, जैसा अनुपमा ने बताया, ये लोगो ही बताता है कि आज का करमवीर जो यूथ है, जिसके लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी बहुत है और एनर्जी से भरा है और वो चाहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो लोगो भी हमारा वही है कि पूरी तरह से एनर्जी से वो तैयार है और वो अपने जो उसका टारगेट है, टारगेट में जाना चाहता है, जिसके लिए आज का करमवीर जो अवार्ड है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस तरह से नए नए, जैसे पंचम जी ने बताया, सारे सेक्शन एजुकेशन है, बहुत सारे ऐसे, आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, जनरली जो मीडिया है अब तो फिर भी ठीक है, पिछले काफ़ी समय से अब आप लोगों को गांव का भी मिल रहा है इंटरनेट और वगैरह, बहुत ऐसे टैलेंट हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं कितने IAS कितने PCS सिविल का जो आता है। आज के दिन में जो सिविल सर्विस जो सक्सेस है उसका 90% जो है रूरल क्षेत्र से आता है, सिर्फ 10% जो है जितनी इंग्लिश मीडियम और जो हाई टेक्नोलॉजी की जो स्कूल एजुकेशन है वो फुलफिल करती, 90% आज भी जो है रूरल उसको ये डिजर्व कर। तो ये उसी तरीके का आपको इसमें ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। मुंबई में लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने कुछ शहरों को बहुत नाम कमाया है, लेकिन आप जो रूरल में जाएंगे, छोटे स्टेट में जाएंगे, वहाँ जो लोगों ने काम किया है उसका शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। ये आज का कर्मी जो है मुख्यतः उसी को टारगेट करता है, जो अननोन लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कहीं ना कहीं एक रूरल एरिया में है या कहीं एक हिडन जगह में है, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, वो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से करेंगे। और लोगों हमारा वही बता रहा है, जो एनर्जी, जिसके पास एनर्जी है उसके लिए स्काई पूरा खाली है, अर्थ पूरा खाली है, कहीं पर भी अपना नाम कमा सकता है, और वो हम भी हैं जो आज का करमवीर अवार्ड जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो उसी को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडी किया है, वेबसाइट्स रेडी किए हैं, अभी जैसा कि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अभी हम धीरे धीरे अपने टारगेट की साइड बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमने तैयारी ही की है और बड़े लेवल पे की है, ये कितनी जगह जाएगा, कितने लोगों को जोड़ेगा। तो सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बेटर है, एक ऐसा मीडियम है जिससे सभी जुड़ जाते हैं, गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, लोग उससे जुड़े होते हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए हमने, हमारे पास PR एजेंसी किया हुआ है, हमारे पास PR एजेंसी के लोग हैं, हमारे पास ऑलरेडी टीम, हमारी एक डेटा भी बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि हम एक अखंड राज पुताना सेवा संघ जैसे प्लेटफॉर्म के हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो हमारे पास डेटा भी है, बहुत सारे लोगों से हम लोग कॉन्टेक्ट कर चुके हैं, अभी भी टाइम है, बहुत सारा पंचम जी हैं, इनकी भी अपनी टीम लगी हुई है, हमारी भी टीम लगी हुई है, तो हम लोग इसको उसी तरह से करेंगे जनरली जिस तरह से सारे प्रोसेस चलते हैं। सर मेरा आपसे सवाल है, मैंने लोगो देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, अगर घोड़े के दोनों पैर हवे में हो तो वो योद्धा पराक्रमी होता है, लेकिन वो योद्धा शहीद हो चुका होता है, तो आपने दोनों घोड़े के पैर ऊपर की तरफ रखे हुए, आप तो शायद जीवित व्यक्ति को देने वाले हैं पुरस्कार। नहीं, मैं पंचम जी की जगह इस चीज़ को मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये आपकी शायद जानकारी में कम है कि वो कौन से घोड़े का आप बता रहे हैं जो युद्ध में हारा हुआ हो। ये घोड़ा जो है हमारा युवा है, जो सीख रहा है कि दौड़ कैसे लगाया जाता है, और इसके लिए वो हमने पहले ही कहा एनर्जी से भरा है, और जब आप उसके लगाम में हाथ लगाते हैं तो घोड़ा पैर उठा के ही आपका स्वागत करता है, वो ये कह रहा है कि मैं तैयार हूँ दौड़ लगाने के लिए। और दूसरा, आज के दिन में वॉरियर्स ही होना जरूरी नहीं है, वॉरियर्स का एक दूसरा स्वरूप किया गया, इसके लिए उसमें जो तलवार आप देख रहे हैं, तलवार नीचे रखा गया है, क्योंकि हम लोग उसको एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम लोग आज के एनवायरनमेंट को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, इसीलिए तलवार को हमने अस्थाई रखा है। योद्धा जो है वो पहले के ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, आज के दिन में ये योद्धा है जो आप लोग खड़े हैं, आप लोगों से लड़ना भी एक तरह से बहुत बड़ा युद्ध योद्धा होने के जैसा है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी कैटेगरीज होगी उसके अंदर, जैसे सर ने कहा कि हर जगह से आप लोग जो है
चुनने वाले हैं, लोगों को रिसर्च करने वाले हैं इसमें? कुछ इसमें तकरीबन इसमें 9 कैटेगरीज हैं। इसमें स्पोर्ट्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, इस तरह से हमने 9 कैटेगरीज रखी हैं। और इसमें हम लोगों ने एक ज्यूरी भी बनाई है, ज्यूरी के अकॉर्डिंगली ही इनको जो हमारे नॉमिनेशंस रहेंगे उसमें से देखा जाएगा कि इसमें मतलब किसको सेलेक्ट किया जा सकता है, उसके मतलब वो एलिजिबल कितना है, कितना लायक है, उसको हमारी ज्यूरी उसको सेलेक्ट करेगी, उसके तहत ही इस प्लेटफॉर्म पर वो रीच करेंगे। आरती सर, आपसे जानना चाहूँगा लास्टली कि ये अवार्ड शो मुंबई के अलावा और कहाँ कहाँ होने वाला है? मुंबई में कहाँ होने वाला? नहीं देखिए, ये द क्लब में होने वाला है 17 अक्टूबर को शाम को, ये अवार्ड होगा। हमारी टीम में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है ये साल में एक ही अवार्ड होगा, लेकिन ये अवार्ड होगा, आप लोग सहयोग करेंगे, सब लोग इसको याद रखेंगे, इस तरह का ये अवार्ड होगा। और इसमें ऑल इंडिया से लोग आएंगे और सभी कैटेगरी में आएंगे। और ये दो तरह से अवार्ड दिया जाएगा। एक अवार्ड देने वाले का नाम कर्मवीर होगा। देखिए, हम लोगों का ऐसा मानना है जो अपनी चीज़ों को अचीव कर लिया वो कर्मवीर है, और जो अचीव करना चाहता है वो आज का कर्मवीर। इसका एक थीम आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फादर वेलकम टू सन, अपने बिजनेस में आज हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आज जैसे हमने कहा कि अनुपमा ने कहा कि मैं कर्मवीर हूँ, तो मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ें कलेक्ट किया और उसको और आगे बढ़ाना है करके हमने अनुपमा को आज के कर्मवीर की तरह से जोड़ा। मेरी अपनी ये इच्छा है कि मैं जहाँ थक जाऊँ वहाँ से अनुपमा इसको आगे लेके जाए और जिससे और बड़ा हो जाए। तो इसका ओवरऑल जो थीम है वो यही है कि फादर हमेशा एक ही चीज़ अपने जीवन में रखता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो चाहता है कि मेरा बेटा हमारी पोजीशन से बड़ी पोजीशन बनाए उसके क्षेत्र में। ये एग्जैक्टली वही है कि आज का कर्मवीर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उसको ये विश किया जाएगा भाई हम यहाँ पहुँचे और आप इसके आगे। इसमें कौन कौन गेस्ट होंगे, कौन कौन वीआईपीज़ अटेंड करेंगे? कर सकते हैं, देखिए ऑलरेडी हमारी जो कन्फर्मेशन है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर जी का है, आदित्य तटकरे हैं, तो आप वहाँ पे भी वही चीज़ें देख सकते हैं कि एक सीनियरिटी है और एक यूथ है। इसी तरह से रेसलिंग से नरसिंह यादव हैं और कई डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही है जिनको पद्म भूषण और उस लेवल की चीज़ें मिल चुकी हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका हो चुकी है। तो आप जब हमारा अवार्ड होगा, अवार्ड होने के बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये अननोन लोगों ने एक नोन काम किया है, ऐसा हम लोगों का प्रयास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।